ये से होता है आतंकवाद। आप यहां पर रामपुर के नजदीक हो, जानते हो ना आजम खान जी को, जानते हो या नहीं जानते हो? कितनी दबंगई थी बताओ भाई, कितनी दबंगई थी? 1000 हेक्टर भूमि हड़प कर ली थी। आज कहां है? उनको जेल में मनाने कौन जाता है? जोर से बोलो, कौन जाता है? वो अगर सीएम बनते हैं तो वो जेल में रहेंगे क्या? बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? आप चाहते हो बाहर आए तो क्या करना पड़ेगा? फिर से भाजपा सरकार बनानी पड़ेगी, तभी जाकर होगा। पार्लियामेंट में मैंने पूछा कि आजम खान के ऊपर मुकदमा कौन सा है, सीबीआई का या जो भी पुलिस ने मुकदमा आयद किया, कि आजम खान जो मंत्री थे उन्होंने लोगों का तकरूर किया, नौकरी दी, उनको जेल में डाल दिया। तो क्या अखिलेश यादव खामोश बैठे थे 5 साल, कुछ नहीं किया? एक मिनिस्टर है आजम खान थे, लोगों को नौकरी दी, उसके ऊपर केस बुक हो गया, तो क्या अखिलेश यादव कुछ नहीं किए? इतना बड़ा बड़ा रोड बनाए, हर काम बोलते मैंने किया, तो फिर आजम ने क्या किया था? आजम खान जेल में है और अखिलेश यादव बाहर, कैसे बताओ? तो मालूम हुआ कि सीबीआई, नरेंद्र मोदी की सीबीआई सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होती है, अखिलेश के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होती। मैं जानता हूं कि मेरी इस जुमले के बाद, मेरे इस तकरीर के बाद समाजवादी के लोग बड़े तड़पेंगे, रात में नींद नहीं आएगी। जवाब दो मेरी इस बात का, तुम लोग आजम खान जेल में क्यों है बताओ? क्यों जेल में आजम खान? बकरी चोरी, भैंस चोरी, ये दिन आ गया हम लोगों को। जो लोग अपने घर में अगर कोई मेहमान आता तो बकरी का, भैंस को जुबा कर देते, उस पर इल्जाम। मेरे